नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचागढ़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन डिजाइन की। आपने हमारा थंबनेल देखा होगा और आपने सोचा होगा थंबनेल पर देखकर ही क्लिक किया होगा कि आपको कहीं ना कहीं यूनिक और बेहतरीन प्लान देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल दोस्तों मिलेगा। जो आज का प्लान मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन और यूनिक होने वाला है। और आप अगर ग्रामीण या शहरी किसी भी क्षेत्र से क्यों ना बिलोंग करते हैं, अगर आप इस मॉडल को बनवाएंगे ना तो लोग कहेंगे नहीं कोई आपने घर बनवाया है, कोई आपने नक्शा सिलेक्ट किया है। तो अगर आप भी इस मॉडल को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को देखिएगा पूरा, और साथ साथ आपको और एक अपडेट देना चाहते हैं। अगर आप घर का नक्शा दोस्तों बनवाना चाहते हैं मुझसे तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने, वहाँ पर आप मुझसे चैट करिएगा। वो हमारे दोस्तों पेड सर्विसेज का विशेष ध्यान रखें, और 50% आपको पे करना होता है, 50% मैं बाद में पैसा लेता हूँ। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करना है, केवल डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर दिया है व्हाट्सअप उसी पर कांटेक्ट करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, आपसे लोग पैसे ले लेंगे मेरे नाम से और आपका काम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा। और साथ साथ दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं घर से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे फ्रंट एलिवेशन वगैरह देता रहता हूँ। तो आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, फेसबुक पेज को आप फॉलो करके रखेंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करके रखेंगे, तो आपको घर बनवाने में ना बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जरूर फॉलो करिएगा। जो आज का मॉडल है उसे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। दोस्तों जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था ये पूरा मॉडल होने वाला है, और इसका साइज है 26x40। हमारे पेड यूजर्स थे, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को मैंने क्रिएट किया है, और उनका चारों तरफ से ओपन स्पेस है उनके पास, इस वजह से आप चारों तरफ देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए विंडो वगैरह लगा रहे हैं, और उनका कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं, और ऊपर जो उनकी ग्रिल का डिजाइन है वो उनको काफी थोड़ा यूनिक चाहिए था, तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को क्रिएट किया गया है। आज हम इसी को डिस्क्राइब करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका। तो दोस्तों इस मॉडल को आज हम आपके सामने पूरा डिस्कस करेंगे। अगर टॉप से देखेंगे तो आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर दोस्तों लगभग 2 से 2.5 फीट का छज्जा भी निकला हुआ है सभी तरह, और ये ग्रिल का डिजाइन वगैरह आप देख सकते हैं। तो पूरे डिजाइन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जूम करके आपको दिखाते हैं, इसके रियलिस्टिक व्यू आपको समझ में आ जाए कि कहां पर क्या बना हुआ है। अब ग्रिल का डिजाइन देखिएगा, और इसके बाद अब बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो जैसे दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो देख सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से ये आपका ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, और उनका मकान ऑलरेडी से बना था, उनको कलर कॉम्बिनेशन और फ्रंट एलिवेशन का डिजाइन चाहिए था। तो ये आप देखिएगा उनका फ्रंट ये है, और यहाँ से ये आपको पिलर और बीम का डिजाइन, इसका विंडो का डिजाइन, और ये दोस्तों टाइल्स को मैंने यूज किया, पहले यहाँ पर टेक्सचर मैंने यूज किया था, बट उन्हें टेक्सचर पसंद नहीं आया, तो फिर टाइल्स को यहाँ पर मैंने यूज किया है विंडो के डिजाइन के लिए। तो जैसे आप अंदर जाते हैं ये बारंदे का डिजाइन देखने को मिलता है, और यहाँ पर इनका ये मेन डोर है जहां से एंट्री करेंगे, ये एक विंडो है वेंटिलेशन के लिए। तो जैसे आप बारंदे में जाते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर इनका गेस्ट रूम है, इस गेस्ट रूम को एक्सेस करने के लिए मैंने डोर और एक विंडो वेंटिलेशन के लिए बारंदे से भी दिया है, और इधर से भी इनको विंडो है। तो दो विंडो गेस्ट रूम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं आंगन में, और यहाँ पर इनकी स्टेयर केस बनी हुई है। दोस्तों इनको लेट बाथ वगैरह की आवश्यकता नहीं थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अगर आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपर आप अगर लेट बाथ यहाँ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। और पीछे दो बेडरूम देखने को मिलते हैं, दोनों के लिए अलग अलग आपके लिए डोर देखने को मिलते हैं, और इधर आपका साइड में देख सकते हैं विंडो वगैरह मैंने दिया है। पीछे वाले बेडरूम के लिए अलग अलग विंडो और साइड के लिए यहाँ पर दो विंडो देखने को मिलता है। और ये दोस्तों यहाँ पर मैंने डिजाइन पूरा दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऊपर यहाँ पर स्टेयर्स है तो ऊपर आपका गुमटी बनेगा, तो उसी को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख सकते हैं टेक्सचर का इस्तेमाल किया है। और ऊपर यहाँ पर ये पूरा तो यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कि आप पूरा डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है। और बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो ये पूरा दोस्तों जैसे आप ऊपर आते हैं तो देख सकते हैं ग्रिल का डिजाइन 3.5 फीट में बना हुआ है, और अगर हम बात करें ये जो आपको कलर कॉम्बिनेशन वाला डिजाइन दिख रहा है ना, ये 17 फीट में टोटल बना हुआ है, और इधर लगभग आपका 7 फीट छूटा है, इधर 7 फीट, उसमें आपको ये डिजाइन बनी हुई है। वही साइड की बात करें तो साइड में दोस्तों ये आपका 15 फीट में बना हुआ डिजाइन, और ये भी 15 फीट में बना है, ये लगभग आपका 8 फीट में बना है, और इसके बाद ये डिजाइन पूरा बना हुआ है। ये दोस्तों स्टेज को ढकने के लिए घूमती है, यहाँ पर मैंने ग्लास का वर्क किया है, देख सकते हैं ग्लास आपके लगे हुए हैं, जिससे आपका गुमटी का डिजाइन एक बेहतरीन तरीके से और भी सुटेबल देखने को मिलता है। ग्रिल चारों तरफ देखिएगा लगभग आपका सेम ही है, फ्रंट का और बैक का, और साइड लेफ्ट और राइट का बिल्कुल सिमिलर बना हुआ है।
तो ये पूरा 26 क्रॉस 40 का डिजाइन जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। उन्होंने हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल किया था तो उनका ये पूरा मकान डिजाइन करके मैंने दिया है। और गुमटी में दोस्तों आपको फ्रंट में भी एक 3x3 का विंडो, बैक में भी 3x3 का विंडो देखने को मिलता है, और इधर आपका एक आपका डोर देखने को मिलता है, इससे आप ऊपर आ सकेंगे। तो दोस्तों आपको आज का मॉडल कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और आपको हमारे मॉडल्स कैसे लगते हैं ये आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत से मॉडल्स क्रिएट करता हूं, और लोग क्या करते हैं हमारे वीडियोस को या हमारे फोटोज़ को कॉपी करके फेसबुक वगैरह पर डालते हैं, तो मैंने स्ट्राइक देना शुरू किया है। काफ़ी लोगों ने मुझे गुजारिश किया कि आपने सर मेरे पर स्ट्राइक दिया, बट उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भाइयों मैं स्ट्राइक देने के लिए आपको बिल्कुल नहीं देना चाहता था। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को कॉन्टेक्ट किया बट आप लोगों को कोई रिप्लाई नहीं आया, और मैं देख रहा था लगातार आप लोग हमारे कंटेंट को यूज कर रहे थे फेसबुक पेज पर। मैं उनसे सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मेरा कोई ऐसा मंशा नहीं है कि आप लोगों को मैं स्ट्राइक दूँ, बट जब मैं मजबूर हो गया आप लोगों को मैंने बार बार कॉन्टेक्ट किया, मैं महीने डेढ़ महीने से लगातार आप लोगों को मैसेज कर रहा हूं कि प्लीज़ हमारा कंटेंट आप मत यूज करिएगा, बट लोग नहीं मान रहे, तब मुझे मजबूरी में दोस्तों एक कदम उठाना पड़ा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि किसी का भी हमारे द्वारा नुकसान, इसका दोस्तों विशेष ध्यान रखिए, मैं बिल्कुल दिल से नहीं चाहता हूं किसी का मेरे द्वारा नुकसान हो एक पैसे का भी, बट मैं उनसे गुजारिश करना ये भी चाहता हूं कि आप दोस्तों अपना कंटेंट यूज करें बट मेरा मत यूज करिएगा, क्योंकि जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है ना बहुत मेहनत से दोस्तों कंटेंट क्रिएट कर पाता है। तो आप लोग क्या करते हैं उनके कंटेंट को चुरा करके अपने फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करते हैं, तो हमें दोस्तों कष्ट होता है। मैंने बहुत दिनों तक इग्नोर कर रहा था ये सारी चीज़ें कि मत दूं मैं किसी को स्ट्राइक, बट मैं जब बेबस हो गया मजबूर हो गया तभी उन लोगों को मैंने स्ट्राइक दिया। तो उनसे मुझे हाथ जोड़कर दोस्तों माफ़ी मांगना चाहूँगा, मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा, उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आप थोड़ा रियलाइज करिए अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। और हमसे आप जुड़े रहिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, मैं आपको बेस्ट मॉडल देने का हमेशा बरखश प्रयास करता हूँ, इसे आपको बेहतरीन संरक्षा दे सकूँ। तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति का फ्रॉड कभी नहीं होगा, इसका मैं बताना चाहूँगा। काफ़ी लोग क्या होता है दोस्तों कॉन्टेक्ट करते बोलते मैं एडवांस पेमेंट नहीं करूँगा, तो दोस्तों मेरा 50% एडवांस पेमेंट लेने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को मैं, जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना नक्शा बनवा लेते हैं फिर मुझे कॉन्टेक्ट मेरा पैसा नहीं देते हैं, मुझे मेरा लेके दोस्तों भाग जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इस वजह से मैं 50% पेमेंट लेता हूं। हाँ अगर मैं पेमेंट लूंगा तो आपका काम 110% होगा, थोड़ा लेट हो सकता है, मैं 24 घंटे या 72 घंटे बोलूँ तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, बट काम होगा, उससे निश्चिंत रहिएगा। और आप हमें जब मुझसे बात हो जाए ना तब आप ये क्वेश्चन मत किया करिए कि मुझे 50% पेमेंट मैं नहीं दूंगा वगैरह वगैरह। हाथ जोड़कर निवेदन है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको हमारे मॉडल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।